नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र। आप देखा आप इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो मेरा मेन अकाउंट का डेटा ट्रांसफर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर। फिलहाल मैं पबजी मोबाइल के अंदर हूँ, तो अभी मैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर जाने वाला हूँ। एंड एक एक स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्टेप मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरा सेकेंड अकाउंट को ट्रांसफर कर चुका हूँ। एंड एक ही फ़ोन के अंदर मैं पहले भी ट्रांसफर किया था, अभी भी ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो क्या कुछ स्टेप फॉलो करूंगा। अगर आप कोई दूसरा अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर से एक लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए ज़्यादा देर न करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले कुछ पुराने यादें ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर जाने के बाद ये सारे कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा, एकदम बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो भाई पॉपुलैरिटी, जो कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर जाने के बाद जीरो हो जाएगा। तो अभी देख पाएंगे 4,24,000 के करीब पॉपुलैरिटी। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को पॉपुलैरिटी दिए हो, तो थैंक यू सो मच सभी को। एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड जो मेरे साथ खेलते रहते हैं, उन्होंने भी पॉपुलैरिटी दिया है, तो सभी को थैंक यू। तो नेक्स्ट है हमारा सीजन 14 का बैकपैक का स्किन, जो कि जाने वाला है BGMI के अंदर। तो ये है बैकपैक का स्किन जो कि चला जाएगा। काफ़ी सही बैकपैक का स्किन था, पर ये चला जाएगा। एंड ज़्यादा मैं पैन का भी नहीं खेलता हूँ, पर तब भी बुरा तो लगेगा, क्योंकि ये कलेक्शन के टाइप है। एंड कुछ अगर चला जाता है तो भाई बुरा तो लगता ही है। तो ये बैकपैक भी जाने वाला है, हमारे साथ नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अभी जो सीजन सेक्शन है वहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, अभी तो C1S1 हो चुका है। एंड यहाँ पर मुझे ऑक का स्किन भी मिल गया, तो इसको कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा कैरियर रिजल्ट है एक तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सीज़न 2 से खेले, तो सीज़न 2 के अंदर मैं डायमंड के अंदर था, तब मैं जोन के बाहर दौड़ता था। एंड उसका सीज़न 3 में मैं पहली बार एस गया, सीज़न 4 से लेकर मैं लगातार एस जाता रहता हूँ। एंड सीज़न 16 में कॉन्करर गया, तो ये सब कुछ चला जाएगा। तो कलेक्शन पूरा का पूरा जाने वाला है, बुरा तो लग रहा है भाई, क्या ही कर सकते हैं। एंड फिलहाल मैं जैसे पहले भी बताया था कि बोनस चैलेंज आने के बाद ही मैं डेटा ट्रांसफ़र करूंगा, पर अभी बोनस चैलेंज आने का कोई नामो निशान मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। एंड BGMI के अंदर भी इन फ्यूचर बोनस चैलेंज आएगा। एंड जितना चांसेस है कि BGMI एंड पबजी मोबाइल के अंदर एक ही टाइम बोनस चैलेंज देखने को मिले, तो जिसके कारण मैं अभी डेटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है BGMI के अंदर टूर्नामेंट आया है BMIS, तो उसके अंदर हमारा स्क्वाड रजिस्टर करने वाला है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है मेरा अभी फिलहाल डेटा ट्रांसफ़र करने का, नहीं तो मैं अभी पबजी मोबाइल के अंदर कुछ और दिन रहता। पर क्या कर सकता, अभी डेटा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले सबसे पहला जो काम आपको करना है, आपका जो कंट्रोल का सेटिंग है उसको पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको मैंने ले लिया है ऑलरेडी। एंड साथ ही साथ सेंसिटिविटी भी पूरा एक वीडियो आप बना सकते हो या स्क्रीनशॉट रख सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा BGMI के अंदर जाने के बाद। तो अभी चलते हैं, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं आप भी उस स्टेप को फॉलो कर सकते हो अपने अकाउंट ट्रांसफर करने से पहले। सबसे पहले तो आपको आपका जो ये अकाउंट है ग्लोबल वर्जन से एकदम लॉग आउट कर देना है। तो मैं लॉग आउट कर दिया एकदम मेरा जो अकाउंट है। तो अभी चलते हैं BGMI के अंदर। एंड मैं ऑलरेडी एक काम करके रखा हूं कि BGMI के अंदर जो मेरा सेकेंड अकाउंट लॉग इन था उसको मैं लॉग आउट कर दिया हूँ। एंड मैंने फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया है, तो मेरा जो अभी सेकेंड अकाउंट है पबजी का वो कनेक्ट हो जाता, क्योंकि मेरा जो सेकेंड फेसबुक अकाउंट है वो कनेक्टेड था। एंड आप अगर फेसबुक को अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो फेसबुक अकाउंट कनेक्टेड है मेन अकाउंट से, उसी को कनेक्ट कर लेना है। पर फिलहाल मैंने फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया, ताकि अगर मैं यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करूँ तो नई तरीके से ऑप्शन दिखाए हमें, जैसे कि देख सकते हैं एक नया ऑप्शन दिखा रहा है फेसबुक लॉगिन करने का। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपना जो मेन अकाउंट है फेसबुक का उसका यहाँ पर पासवर्ड डिटेल डालता हूँ, एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। Meanwhile, तो फेसबुक डिटेल डालने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। तो जैसे कि देख सकते हो, ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का एक इंट्रो ट्रेलर है। एंड ये हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरा सेकंड अकाउंट ट्रांसफर कर चुका हूँ, तो इसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है एक न्यू अकाउंट बनाने का, तो फटाफट से कोई सा भी नेम डाल देते हैं एंड अकाउंट बना लेते हैं। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर नॉर्मली डाल देता कोई सा भी नेम, क्योंकि ये ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर नेम टेकन हो चुका है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं, सब नेम टेकन है। तो मैं कोई सा भी नेम दे देता हूँ, क्योंकि इस अकाउंट से तो कोई वास्ता नहीं हम लोगों का। तो यहाँ पर क्रिएट मैंने कर दिया है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो गेम के अंदर आने के बाद कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्या आप इंडिया से हो या नहीं, तो वहाँ पर आपको AS डालना है। एंड आपको डेटा ट्रांसफ़र का उसके बाद ही ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ES भी कर सकते हो, वहाँ से भी डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, या नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी देख पाएंगे यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है Are you over 18 years old, तो यस करते हैं। तो या भी यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड विवॉर्ड मिलने वाला है, तो भाई इसको स्किप करते हैं। एंड अभी इन्वेंटरी सब कुछ दिखाएगा आपको, तो इसको मैं स्किप कर दिया यहाँ पर। एंड थोड़ा बहुत कट करते हैं भाई, भाई स्टार्ट नहीं करना है मैच, तो यहाँ पर मैच स्टार्ट करके हमें गेम सिखाएगा, तो भाई फटाफट सीख लेते थोड़ा गेम। एंड
अभी थोड़ा पॉज करते हैं वीडियो। One hour later. तो हमने यहाँ पर गेम सीख लिया है, तो अभी सिंपली अकाउंट डेटा हमारा ट्रांसफर करते हैं। तो सेटिंग के ऑप्शन में आप देख सकते हो अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन आ चुका है, तो इसके ऊपर हम टैप कर दिया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आया है येस और नो का, तो यहाँ पर येस करते हैं। एंड दो ऑप्शन आपको मिलेगा, फेसबुक या ट्विटर। आप फेसबुक या ट्विटर से ही अपना अकाउंट डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका मेन अकाउंट मतलब ग्लोबल अकाउंट के अंदर फेसबुक या ट्विटर कनेक्टेड नहीं, तो सबसे पहले आपका जो मेन अकाउंट है ग्लोबल अकाउंट उसके अंदर फेसबुक या ट्विटर कनेक्ट करो, उसके बाद ही आप अकाउंट या ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरा फेसबुक कनेक्टेड था, तो फेसबुक के ऑप्शन में मैंने टैप कर दिया, ओके करते हैं। तो यहाँ पर फेसबुक का लॉगिन डिटेल्स मांगेगा, तो फटाफट से लॉगिन डिटेल्स डालते हैं एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या अकाउंट डेटा ट्रांसफर होता है या नहीं। 2000 years later फेसबुक डिटेल डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आया है येस और नो का, एंड यहाँ पर येस हम कर देते हैं क्योंकि हमें अकाउंट डेटा ट्रांसफर करना है हमारा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंपली गेम लॉग आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन के ऊपर एक मैसेज भी आ चुका है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर फेसबुक के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर फिर से शायद फेसबुक को लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो डाटा ट्रांसफर प्रोसेस दिखा रहा है, तो अभी भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर से एक बार फेसबुक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है, ओके हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। देख पा रहे लोडिंग पेज आ चुका है, तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मेरा मेन अकाउंट को देखने के लिए BGMI के अंदर। एंड यहाँ पर देखते हैं मेरा मेन अकाउंट आया है या नहीं। ओके यहाँ पर आर यू ओवर 18 years old येस ऑब्वियसली येस करते हैं। एंड यहाँ पर हमारा मेन अकाउंट आ चुका है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर। तो डेटा ट्रांसफर होने के बाद भाई क्लैन भी हमारा गायब हो चुका है। एटम ऑफिशियल हमारा क्लैन था 10 लेवल का, वो मैं दिखाना भूल गया था स्टार्टिंग में, तो वो भी गायब हो चुका है। साथ ही साथ पॉपुलैरिटी भी जीरो हो चुका है। तो अगर तुम्हारे भाई को पॉपुलैरिटी देना है आप जाके दे सकते हो। मेरा BGMI ID अभी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा, जाओ जाके तुम्हारे भाई को पॉपुलैरिटी दो। एंड जो भी पॉपुलैरिटी देगा नेक्स्ट वीडियो से सभी को शाउटआउट मिलने वाला है। तो एक पॉपुलैरिटी अगर फ्री में है आपके पास तो जाके दे सकते हो। तो ओवरऑल यही था पूरा का पूरा वीडियो। इसी तरीके से आप डेटा ट्रांसफर अपना कर सकते हो। एंड मेल ज़रूर चेक करना डेटा ट्रांसफर करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, एक फ्री में ID कार्ड, साथ ही साथ एक क्रेट मिलेगा। तो क्रेट को खोलते हैं, अभी देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर से, क्रेट के अंदर से। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो भी आइटम आया था मतलब प्री रजिस्ट्रेशन का रिवॉर्ड जो भी था वो हमें फ्री में मिल चुका है, 300 AG करेंसी, साथ ही साथ एक परमानेंट आउटफिट एंड एक मास्क मिल चुका है, साथ ही साथ एक परमानेंट टाइटल भी मिल चुका है। तो काफ़ी बढ़िया बात है एंड बाकी सब कुछ सही है। बाकी देखते हैं भाई बैकपैक आया है नहीं, चांसेस तो कम है आने का, मतलब नहीं आएगा। तो देख सकते हो सीज़न 14 का बैकपैक नहीं आया है, तो जो जाना था वो जा चुका है। तो यही था ओवरऑल वीडियो, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना एंड भाई पॉपुलैरिटी सेंड करना ना भूलना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड पहली बार अगर आप चैनल के अंदर आए हो तो डेली इन्फॉर्मेटिव इसको वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा मिस ना करो। तो चलिए फिर मुलाकात होगा और एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं। हैव अ नाइस डे।